दोस्तों, आज का वीडियो हमारा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के कंट्रोल वायरिंग के बारे में है। दोस्तों, इसका पावर वायरिंग हमने लास्ट वीडियो में सीख लिए थे, ठीक है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, ठीक है। इस वीडियो में हम केवल कंट्रोल वायरिंग करना सीखेंगे। देखिए दोस्तों, यदि हमें रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बनाना है तो हम यहाँ पे दो कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं, एक तो रिवर्स कॉन्टैक्टर और दूसरा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर, ठीक है। और मोटर के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक ओवरलोड डिले का उपयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यदि हम मोटर को चालू करना होता है तो उसके लिए हम फॉरवर्ड पुश बटन का उपयोग करते हैं, और यदि हमें मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में चलाना है तो हम रिवर्स पुश बटन का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करते हैं। यदि हमें मोटर को बंद करना हो तो इस पुश बटन को प्रेस करके हम मोटर को बंद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इन सभी को कंट्रोलिंग करने के लिए यहाँ पर हम एक कंट्रोल MCB लेंगे, ठीक है। इस कंट्रोल MCB के आउटगोइंग टर्मिनल से हम पावर सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा MCB है, इसके इनकमिंग टर्मिनल पे पावर सप्लाई दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने फेस सप्लाई और यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर दिया। दोस्तों, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होती है, इनमें देखिए यहाँ पर A1 टर्मिनल है और यहाँ पर A2 टर्मिनल, ठीक है। तो A2 टर्मिनल पे हमें न्यूट्रल सप्लाई देना होता है और A1 टर्मिनल पे फेस सप्लाई देना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, इसके A2 टर्मिनल पे न्यूट्रल सप्लाई को दे देते हैं, ठीक है। इसको न्यूट्रल सप्लाई देने के बाद ये जो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है, इसको भी हम न्यूट्रल सप्लाई दे देते हैं, ठीक है। अब हमें फेस सप्लाई लेके जाना है। अब हमें फेस सप्लाई को क्या करना है, यहाँ से ले जाके A1 टर्मिनल पे कनेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन इनके बीच में हम इन सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को भी जोड़ते हुए लेके जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और जो हमारा ओवरलोड रिले है उसके 95 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आप देखिए, ये जो 96 नंबर का टर्मिनल है, इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो स्टॉप पुश बटन है उसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे, ठीक है। अब जो स्टॉप पुश बटन है हमारा, उसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो फॉरवर्ड पुश बटन है उसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा फॉरवर्ड पुश बटन है, इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर है उसके NC टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, इस टर्मिनल पे। तो हम यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट करके इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो हमारा रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर है, उसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ये जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टर है इसके A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर हमने रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर के NC कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल क्यों किया है दोस्तों, उसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टर है, यदि ये चालू है तो उस कंडीशन में हमारा जो रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर है वो चालू नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पर होता है, यदि हमारा रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर चालू है तो हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टर चालू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के इंटरलॉकिंग के लिए हमने यहाँ पर NC कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल किया है, ठीक है दोस्तों। आप देखिए, ये जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टर था, इसको हमने फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यदि हम इस फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टर है वो चालू हो जाएगा, ठीक है। और जैसे इसको रिलीज करेंगे तो तुरंत ही बंद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, इसको होल्ड करके रखने के लिए यहाँ पर हमें होल्डिंग सर्किट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्टॉप पुश बटन है उसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके इस कॉन्ट्रैक्टर के NO टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद अब ये जो हमारा NO कॉन्ट्रैक्ट है, उसके जो आउटगोइंग टर्मिनल है यानी कि 43 नंबर, इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका होल्डिंग सर्किट बन गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टर था, इसका कंट्रोलिंग हो गया है, ठीक है। अब हमें रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर का कंट्रोलिंग करना है। अब ये जो हमारा रिवर्स पुश बटन है, इसको हम इस फॉरवर्ड पुश बटन के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि हमारा जो पुश बटन है उसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे, ठीक है। अब जो आउटगोइंग पावर सप्लाई है उसको हम कहाँ ले जाएंगे, ये जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टर है उसके NC कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जो NC कॉन्ट्रैक्ट का आउटगोइंग टर्मिनल है, ये 32 नंबर टर्मिनल वाली, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके हमें इस कॉन्ट्रैक्टर के A1 टर्मिनल पे लेके जाना है। तो यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उसको ले जाके A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमें इस कॉन्ट्रैक्टर को भी होल्ड करा के रखना है, ठीक है। तो इसके लिए भी होल्डिंग सर्किट बना देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है इसका NO कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इस NO कॉन्ट्रैक्ट पे पावर सप्लाई ले जाने के लिए हम यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब जो इसका आउटगोइंग टर्मिनल है, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि हमने A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब जो हमारा स्टार्टर है वो कैसे वर्क करेगा उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मोटर को स्टार्ट करना है। मोटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इस MCB को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको ऑन करते ही यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ लाइन ग्लो हो गई। दोस्तों,
यहाँ पे जितने भी लाइन ग्लो हो रहे हैं उन उन टर्मिनल पे हमारा पावर सप्लाई रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा स्टार्ट पुश बटन था इसके आउटगोइंग टर्मिनल पे पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है इसमें एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करने से क्या होगा, पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं होता। ठीक है, सेम टू सेम इसमें भी होता है, इसमें भी पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें भी एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यदि मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना है तो क्या करेंगे, इस पुश बटन को प्रेस करेंगे। जैसे इसको प्रेस करते हैं तो हमारा जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए इस टर्मिनल पे चली जा रही है, A1 टर्मिनल पे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक वायर लूप था इस एनो कॉन्टैक्ट के साथ। जैसे ही ये कॉन्टैक्टर ऑन होती है तो क्या होगा, एनो कॉन्टैक्ट NC बन जाएगा और पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होने लगेगा। ठीक है, अब यदि हम इस पुश बटन को रिलीज भी कर देते हैं तो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब यदि हमें मोटर को बंद करना है तो हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे। जैसे इसको प्रेस करेंगे तो हमारा मोटर बंद हो जाती है। ठीक है, और इस पुश बटन को रिलीज करने पर हमारा पावर सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, अब यदि हमें मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में चलाना है तो हमें इस पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। जैसे इसको प्रेस करते हैं तो हमारा जो रिवर्स कॉन्टैक्टर है वो चालू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अभी यदि हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर चालू है उस कंडीशन में यदि हम फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस भी करेंगे तो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर चालू नहीं होगा। क्यों नहीं चालू होगा? क्योंकि यहाँ पे हम इंटरलॉकिंग करके रखे हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा मोटर रनिंग कंडीशन में। ठीक है, अब यदि किसी कारण से हमारा जो मोटर है वो ओवरलोड कंडीशन पे ट्रिप होता है तो क्या होगा, ये जो NC कॉन्टैक्ट है वो NC से NO बन जाएगा। ठीक है, NO बनते ही क्या होगा, पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं हो पाएगा और जो हमारा मोटर है वो बंद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब यदि हमें पावर सप्लाई को नॉर्मल करना है तो हमें इस रीसेट पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। इसको प्रेस करते ही हमारा जो कंट्रोल सप्लाई है वो रीसेट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा जो रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर होती है उसका कंट्रोल वायरिंग करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।